बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हसीब। अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो पर फर्दर डिस्कशन से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे पास एक ऐप है किंगो रूट। सबसे पहले मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप ब्राउज़र से अपने मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का एरर आपके सामने आ जाता है, ब्लॉक्ड बाय प्ले प्रोटेक्ट, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं मगर आपके मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल नहीं हो रही होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह की एप्लीकेशंस को आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करते हैं और ऊपर इस जगह पर सेटिंग्स में हम क्लिक करेंगे और ये दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, स्कैन ऐप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। हम इन दोनों को ऑफ़ कर देंगे। अब हम दोबारा उस ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दी है। यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये देखें, हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। हम इसको ओपन करके भी चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इन ऑप्शंस को दोबारा हमने ऑन करना है, क्योंकि ये गूगल की तरफ से आपके मोबाइल की सिक्योरिटी होती है। इसलिए इन ऑप्शंस को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मोबाइल हार्मफुल एप्लीकेशन से महफूज रहे। अब हम अपनी इंस्टॉल्ड ऐप को ओपन करके भी चेक कर लेते हैं। अगर इस तरीक़ाकार के बावजूद भी आपकी मतलूबा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जिस वेबसाइट से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, हो सकता है कि वहाँ पर जो सेटअप हो उस एप्लीकेशन का वो करप्ट हो। और सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल के साथ कंपैटिबल ना हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मेरे इस चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हसीब को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।